भारतीय कप्तान विराट कोहली को ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है और ये एक्सेप्ट करने में कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए उन्हें कि न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में उन्हें हर विभाग में मात दी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग 10 विकेट से हार पर तिल का ताड़ बनाना चाहते हैं तो वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। मेजबान न्यूजीलैंड ने बेसिन रिजर्व पर पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में सोमवार को भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त देकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। भारत के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में ये पहली बार है और पहली हार है जो उसे बल्लेबाजों की नाकामी के कारण मिली। कोहली ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम जानते हैं कि हमने अच्छा खेल नहीं दिखाया, लेकिन अगर लोग इसका तिल का ताड़ बनाना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम ऐसा नहीं सोचते। कोहली ने कहा कि उन्हें यह समझ में नहीं आता कि एक टेस्ट मैच में हार को इस तरह से क्यों देखा जाना चाहिए, मानो उनकी टीम के लिए दुनिया ही समाप्त हो गई हो। टीम इंडिया के कप्तान ने कहा, कुछ लोगों के लिए यह दुनिया का अंत हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे लिए यह क्रिकेट का एक मैच था जिसमें हम हार गए, हम इससे आगे बढ़ते हैं और सिर ऊंचा रखते हैं। कोहली ने कहा, हम समझते हैं कि स्वदेश में भी हमें जीत के लिए अच्छा खेलना होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसान कुछ भी नहीं होता क्योंकि टीम आएंगी और आपको हराएंगी। आप इसे एक्सेप्ट करते हो और इससे एक टीम के तौर पर हमारे चरित्र का पता चलता है। विराट ने कहा, पहले दिन हमारी बल्लेबाजी बेहद खराब रही और इस कारण हम मुकाबले में पीछे रहे। उन्होंने गेंदबाजों के प्रदर्शन का एक तरह से बचाव करते हुए इस बात को माना कि न्यूजीलैंड के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने जो 120 रन जोड़े वे हमारे लिए घातक साबित हुए। न्यूजीलैंड की पहली पारी के दौरान के समय भारत ने न्यूजीलैंड के 6 विकेट 216 रन पर गिरा दिए थे, लेकिन पुछल्ले बल्लेबाजों के अच्छे प्रदर्शन की बदौलत मेजबान टीम पहली पारी में 348 रन तक पहुंचने में कामयाब हो गई। हार के बावजूद कोहली ने उम्मीद जताई कि इस प्रदर्शन को भुलाते हुए भारतीय टीम अगले मैच में जरूर अच्छा प्रदर्शन करेगी, जो कि दूसरा टेस्ट भी मैच अभी खेला जाना है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।